हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों की दुआओं से। सो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम, अब बज रहा होगा 8:15, 8:15 इतना ही टाइम हो रहा होगा। और आज मैं किचन में कोई काम नहीं कर रही हूँ और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इसलिए भाभी आज नाश्ता बना रही हैं। और किचन थोड़ा सा मैसी है, इसलिए उसको माइंड मत करिएगा प्लीज़। अब हर वक्त साफ़ रहे किचन, ये भी तो नहीं हो सकता है। तो आज भाभी बना रही हैं पोहा इंस्टेंट तरीके से। पोहा बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है, उसमें जीरा हींग का तड़का लगा दिया है और बारीक कटा हुआ प्याज डाल लिया है और कच्चा आलू महीन काट के डाल दिया है। और उसको तब तक भूनेंगे जब तक आलू का कच्चापन निकल नहीं जाता है। और ये मूँगफली के दाने उन्होंने ऑलरेडी भून कर रख लिए हैं पोहे में डालने के लिए। और आलू प्याज अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गए, हम उसमें चुटकी भर हल्दी डाल दिया, उसको भी भून। सो फ्रेंड्स, हल्दी डालने के बाद उसमें भाभी ने पोहे डाल दिए हैं जो भिगो कर रख दिए गए थे। हालांकि भिगोया नहीं था, उसको खाली धो कर चलनी में रख दिया था, वो अपने आप भीग गए थे। क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम भिगो कर रखते हैं ना तो पोहे थोड़ा सा सौगी हो जाते हैं और वो अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। इसलिए अब देखिए कितना अच्छा अच्छा सा लग रहा है, खिला खिला सा। और ये चिल्ले का बैटर है, चावल के आटे का चिल्ले का बैटर है, जिसमें चावल का आटा है, थोड़ा सा 2 चम्मच मैदा मिला लिया है और बेसन था नहीं घर में तो बेसन नहीं डाला है, बस इन्हीं 2 चीज़ों से उसका बैटर तैयार कर दिया है। और इधर नमक वगैरह पोहे में डाल दिया है, काला नमक डाल दिया है, अपने हिसाब से जो स्पाइस पड़ते हैं पोहे में वो डाल दीजिए आप भी। सो फ्रेंड्स, सब लोगों का नाश्ता हो चुका है। लास्ट में मैं अब अपना नाश्ता लेकर जा रही हूँ और ये कटोरी में पोहा है जिसमें मूंगफली के दाने 2-4 पड़े आपको नज़र आ रहे होंगे। और वो चिल्ला है, चावल के आटे का बनाया था। और ये मेरा सुबह का नाश्ता है। और इतना मैंने ले तो लिया है लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खाऊँगी क्योंकि बच्चे भी साथ में खा रहे हैं, तो उन लोगों को भी खिला दूँगी। मैं हल्का सा नाश्ता करने के बाद मुझे दवा खानी है, इसलिए मैं नाश्ता कर रही हूँ। ज़्यादा भूख नहीं है और चाय पीने की इच्छा हो रही थी तो मैं चाय ज़रूर पीऊँगी और उसके बाद मैं दवा खा लूँगी क्योंकि मुझे कोल्ड और बुखार दोनों साथ में हो गया था। एवरीवन, और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी शाम के हो रहे हैं 7:30 आई थिंक, और मैं जस्ट अभी मार्केट से आई हूँ और मुझे घर का थोड़ा सा सामान ख़रीदना था, इसलिए मम्मी के साथ मार्केट गई थी। और मैं क्या क्या खरीद कर लाई हूँ वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ज़्यादा कुछ तो नहीं खरीद कर लाई हूँ, बस जो प्लास्टिक के आइटम हैं तो वो खरीद कर लाई हूँ। बाकी स्टील के आइटम वगैरह वो तो धनतेरस के दिन ही खरीदूँगी, इसलिए अभी जो ज़रूरत का सामान है वो मैं खरीद कर लाई हूँ। और क्या क्या खरीद कर लाई हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगी, ये प्लास्टिक का मेजपोश है टेबल पे डालने के लिए, लेकिन मैं ये लाई हूँ बच्चों के लिए क्योंकि बच्चे मेरे यहाँ दोनों, मेरे जो भतीजा और भतीजी हैं वो बेड पे ही खाना खाते हैं, तो मैं उनके लिए लाई हूँ क्योंकि खाना खाते वक्त बच्चे गिराते ज़रूर हैं। और पेपर वगैरह अगर डालो भी तो जो पानी का ग्लास वगैरह रखो तो वो दाग पड़ ही जाते हैं क्योंकि पेपर तो गीला हो जाता है, इस वजह से बेडशीट पर दाग पड़ जाते हैं। तो मैं ये ख़रीद कर लाई हूँ, ये दोनों बच्चों जब खाना खाएंगे एक साथ बैठकर तो उनके लिए ठीक पड़ जाएगा। ज़्यादा बड़ा खरीद कर नहीं लाई हूँ, बस ये इतनी चौड़ाई का है। और ये मैं बच्चों के लिए ख़रीद कर लाई, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि ये खरीद लूँ, लेकिन जब भी मार्केट जाती थी मैं भूल जाती थी। और उसके साथ साथ मैं लाई हूँ ये डाइनिंग टेबल पे डालने के लिए। मेरे घर में डाइनिंग टेबल है बट उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है क्योंकि हम लोग अधिकतर या तो बेड पे ही खाना खा लेते हैं या तो ज़मीन पे ही चटाई लगाकर खा लेते हैं, इसलिए डाइनिंग टेबल की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी सब लोग अपने अपने रूम में खाना खाते हैं, किसी का कोई टाइमिंग नहीं फिक्स है जिसको जब भूख लगती है। मैं ऑलमोस्ट मम्मी के साथ खाना खाती हूँ
और भैया भाभी अपने रूम में खाते हैं, बच्चे जब भूख लगे कभी हम लोग के साथ खा लेते हैं या भैया भाभी के साथ, उनको तो जब भूख लगती है तब खा लेते हैं, ऑलमोस्ट वो मेरे साथ ही खाना खाते हैं। और इसलिए मैं डाइनिंग टेबल पर डालने के लिए लाई हूँ, ये लाइट ब्लू कलर का है बट ये तह लगाया हुआ है इसलिए थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, मुझे इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा लग रहा था ये जो कॉर्नर में है। और डाइनिंग टेबल एक्चुअली उसका यूज़ मैं अधिकतर जैसे कोई क्राफ्ट हुआ या कोई DIY हुआ उसमें वीडियो बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ, या बच्चों की ऑनलाइन स्टडी हुई तो भाभी उस पर मतलब ऑनलाइन स्टडी करा देती हैं, और कोई ख़ास यूज़ नहीं होता है डाइनिंग टेबल का, लेकिन फिर भी उसको मेकओवर कर दूँगी और जब वो एकदम सही हो जाएगा, अभी तो एमआई यूज़ होता रहता है, काम चल रहा है जैसे तैसे, मैं उसका मेकओवर करूँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी। और ये मैं पॉलीथीन खरीद कर लाई हूँ ब्लैक कलर की 50 पीस की, ये हैंगर लाई हूँ और ये मुझे मिला है आई थिंक 100 रुपीज़ के, 6 पीस मिले हैं। एक्चुअली जिनके यहाँ से मैंने ख़रीदा है लोकल मार्केट, वो जान पहचान के निकल आए, मेरे पापा के जान पहचान के निकल आए, तो उन्होंने ठीक ठाक रेट में हम लोग को शॉपिंग करा दी, हालांकि हम लोग नहीं जानते थे उनको, बट सामान खरीदते खरीदते मतलब बातें होने लगती हैं तो उसी में मतलब वो पापा के बारे में जान गए, तो इसलिए ठीक ठाक रेट में लगा दिया। और ये स्कॉच ब्राइट, ये तो ऐसे ही मैंने ले लिया है एक्स्ट्रा बर्तन धुलने के लिए। और ये है लार्ज चटाई, ये है लार्ज साइज की चटाई, ये पूरे बेड के बराबर है, डबल बेड के बराबर है, और इसको मैंने खोला नहीं है, मतलब मार्केट में तो खोलकर उन्होंने दिखाया था बट मैंने घर पे नहीं खोला, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इसको भी खोलूं। और मैं इतना बता दे रही, ये पूरे डबल बेड के हिसाब से है, पूरे बेड में आ जाएगी डबल बेड में। और ये मैं छोटी चटाई भी लाई हूँ, ये ठंडी आने वाली है तो छत पे डालने के लिए लाई हूँ, और जैसे छत पे खाना पीना हो गया तो उसके लिए लाई हूँ, और किचन में जो तखत पड़ा हुआ है उस पे डालने के लिए लाई हूँ, क्योंकि पेंट तो भी होने पर एक्चुअली जो मेरे किचन में तखत पड़ा हुआ है वो अभी तक पेंट नहीं हुआ है, और मुझे नहीं लगता है मैं उसको पेंट कर पाऊँगी क्योंकि टाइम कम रह गया, परसों से धनतेरस है, फिर उसके बाद मतलब त्यौहार स्टार्ट है, अगर मुझे टाइम मिला अगर कल तो मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे अभी आंगन भी क्लीन करना है। आज भाभी से मेरी बात हुई है तो कल मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर नहाने से पहले पूरा आंगन क्लीन होगा, तो मैं उसी के लिए लाई हूँ, तो इसको मैं तखत पे डाल दिया करूँगी, और छत पे अगर उठना बैठना हुआ या खाना पीना हुआ तो उसके लिए है। और ये बड़ी वाली चटाई तो मम्मी ने ऐसी ले ली, उनको पसंद आ गई थी तो मम्मी ने खरीद ली, और इसका रेट मुझे याद नहीं है, आई थिंक ये मुझे मिली है 450 की, ये मुझे मिली है 450 की, एक मिली है दो मिली है ये मुझे नहीं याद है कि दोनों मिलाकर 450 हुआ है कि ये खाली मिलाकर 450 हुआ है, क्योंकि जो भी हिसाब किताब है वो मम्मी ने किया था, मैंने चीज़ें खाली पसंद कर दी थी कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, हालांकि मैंने मम्मी से छोटी वाले चटाई के लिए बोला था तो उन्होंने ये भी पसंद कर लिए। और एक चीज़ और लाई हूँ लेकिन वो मैं आपको उठा के दिखा नहीं सकती हूँ, मैं डस्टबिन खरीद कर लाई हूँ बड़ा वाला, जो पार्क वगैरह और मॉल वगैरह में आप देखते हो वैसा डस्टबिन में ख़रीद कर लाई हूँ, क्योंकि छोटे वाला डस्टबिन मेरे यहाँ हिसाब किताब कुछ ठीक नहीं बैठता है, वो पूरे दिन में ही भर जाते हैं,
और घर का कूड़ा तो नहीं होता है, लेकिन मैंने बताया ना बच्चे इतना कूड़ा मचा देते हैं शायद, और मतलब कि जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे ना वो जानते होंगे कि दिन भर में कितना काम वो लोग बढ़ा देते हैं। तो मैं बड़ी वाली डस्टबिन ला के डाल दिया है, और मैं उनको बता दूँगी, सिखा दूँगी कि जितना भी कूड़ा करो उठा के उसमें डाल दो, और मैं बता चुकी हूँ और वो काफ़ी खुश भी हैं। उसे बोल रहे थे बुआ ठीक है, मैं अगर कोई गंदगी करूँगा तो मैं उठा के सारा कूड़ा डस्टबिन में डाल दूँगा। तो मैं अभी दिखाऊँगी, वो बाहर रखा हुआ है, और बाकी ये सारी चीज़ें मतलब सैनिटाइज की हुई हैं, और उसको सैनिटाइज करने का कोई मतलब नहीं था, उसको रख दिया जाएगा दो दिन के लिए, फिर उसको यूज़ में ले आया जाएगा। और आज दिन भर मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था, क्योंकि आज कपड़ों की धुलाई थी, क्योंकि कल मुझे अपनी फ्रेंड के साथ जाना है मार्केट, उसको कुछ सामान खरीदना है तो मुझे उसके साथ जाना है, इसलिए मैंने आज कपड़ों की धुलाई कर दी है। इसलिए मैं कोई रेसिपी वगैरह की कोई वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ। हाँ, सुबह के नाश्ता वगैरह आज नाश्ते में बना था, क्या बना था, आज नाश्ते में बना था चिल्ला, और भाभी ने पोहा बनाया था वो बना था, और उसके बाद मैं डायरेक्ट कपड़ों की धुलाई में लग गई थी, और फिर थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और फिर मैं सो गई। सोने के बाद फिर मम्मी ने मार्केट जाने के लिए बोला, पूछ रही थी अगर चलना हो तो ठीक है, मुझे मेरी तबीयत ठीक लग रही थी तो मैं चली गई, और उसके बाद अभी जस्ट आई हूँ। मैंने सोचा कि जो मैं सामान खरीद के लाई उसकी वीडियो में शूट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो यहीं तक का था, और अब मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ यूँ ही इसी तरीके से अपना प्यारा सपोर्ट मुझे देते रहिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, और अपनी डेली रूटीन की जो भी काम है वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, और मेरे जितने भी मायके के ब्लॉग हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और प्लीज़ सपोर्ट मी, और अब मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। क्योंकि ये वीडियो मैं जस्ट इसी के बाद एडिट करके मैं अपलोड कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, आज कल व्लॉग यहीं तक का था, अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहिएगा। तो अब मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और यही वो बाल्टी है जिसको मैं दिखा रही हूँ, और बच्चों ने देखो क्या शैतानी कर रखी है।